सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो नमस्ते दोस्तों, आज सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल बहुत स्वागत। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले अनुराग त्रिपाठी सर जो सीबीएसई के सेक्रेटरी है, उन्होंने बड़ा एक अपनी फेसबुक पेज पे बड़ा एक आर्टिकल जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे स्कूल प्रॉपरली सीबीएसई के जो एग्ज़ाम सेंटर है प्रॉपरली कोई भी गाइडलाइन फॉलो नहीं करे जो सीबीएसई ने दी है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स के वीडियो वायरल हो रहे जिसमें दिखाया जा रहा है कि बच्चों को एक क्लास के अंदर 28 बच्चों को बैठाया जा रहा है, 30 बच्चों को एक क्लास में बैठाया जा रहा है, कोई मास्क नहीं पहन रहा, कोई सैनिटाइज़र नहीं है। तो अनुराग त्रिपाठी सर ने वार्निंग दी सभी एग्ज़ाम सेंटर को कि जिन स्कूल्स में या फिर जिन एग्ज़ाम सेंटर में प्रॉपरली गाइडलाइन फॉलो नहीं होगी उनके अगेंस्ट में FIR या फिर एग्ज़ाम सेंटर के अगेंस्ट में बड़ा कोई एक्शन लिया जा सकता है। तो गाइज मैं सभी एग्ज़ाम सेंटर से अपील करूँगा कि प्रॉपरली गाइडलाइन फॉलो करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस इंक्रीज़ हो रहे, तो इसको देखते हुए प्लीज़ जितना हो सके बच्चों के लिए सीरियस हो जाए। गाइज अगर आपके भी अगर एग्ज़ाम सेंटर में कोई गाइडलाइन फॉलो ना हो तो आप लोग भी अपील करो अपने टीचर से कि CBSE के नए रूल्स के अकॉर्डिंग एक रूम के अंदर सिर्फ 18 बच्चे बैठने चाहिए, लेकिन आप 20 बैठा रहे हो, उनको ये बात बताओ। आप लोग अपील करो अपना, वो इसके बारे में सोचेंगे। आप प्रेशर बनाओगे तो ज़्यादा प्रेशर बनेगा। बाकी गाइज मैं आप सभी को जो भी जानकारी होगी इसी तरीके से बताता रहूँगा। अनुराग त्रिपाठी जो CBSE के सेक्रेटरी है वो भी एक्शन में है, और मेरे को लगता है कि अब एग्जाम सेंटर प्रॉपरली रूल्स सारे फॉलो करेंगे। तब रिफ्यूमिली नेक्स्ट रूम, तब तक आ सिंगा फिर सेफ रहो। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।